The number of BJP candidates who are winning the assembly seats in Arunachal Pradesh continues to grow. On Saturday, Chief Minister Pema Khandu addressed a press conference and announced that the number has increased to 10. They include the Chief Minister Pema Khandu from Mukto, J.K. Thakur from Tali, Muchu Mite from Roing, Niato Dukam from Taliha, Techi Kasa from Itanagar, Techi Ratu from Sangali, Hage Apa from Zero, Chauna Main from Chaukam, Dongro Siongju from Bomdila and Desanglu Pool from Haoliang. आज अरुणाचल प्रदेश की सभी जनताओं के लिए ये बहुत अच्छा एक खबर है। इस बार का चुनाव का लहर में कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार 10 सीटों में अनकंटेस्टेड डिक्लेयर हुआ है। तो सबसे पहले मैं अपनी ओर से और भारतीय जनता पार्टी की ओर से जितने भी हमारा 10 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में अनकंटेस्ट हुआ है वहां के पार्टी के कार्यकर्ता और वहां के सभी जनताओं को पार्टी की ओर से मैं ढेर सारा धन्यवाद मैं प्रकट करता हूं। और आने वाला दिनों में आप सबको पता है कि 19 अप्रैल में वोटिंग किया जाएगा और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने यहां पे इस राज्य में जो काम किया है तो इस बार हम सबको पता है कि सारा पब्लिक भारतीय जनता पार्टी का सरकार का परफॉर्मेंस को लेके सभी लोग बहुत ही सेटिस्फाइड हैं। तो आने वाला दिनों में ये पूरा कंफर्म हो चुका है कि चुनाव में हम लोग 100% मार्क्स लेते हुए दोबारा फिर भारतीय जनता पार्टी का सरकार अपना अरुणाचल प्रदेश में गठन करेंगे। तो साथ ही साथ मैं माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारा भारतीय जनता पार्टी के नेशनल प्रेसिडेंट श्री जेपी नड्डा जी को भी मैं धन्यवाद देता हूं। उन सभी का देख रेख में आज अरुणाचल प्रदेश का प्रगति काफी अच्छा हुआ है और भारतीय जनता पार्टी के लिए जो प्यार अरुणाचल प्रदेश के जनता ने जो अभी दे रहा है इससे साफ जाहिर भी है कि हमारा दो लोकसभा सीट ईस्टर्न पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी और वेस्टर्न पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी विद थम्पिंग मेजोरिटी के साथ में पूरे एकदम फुल मेजोरिटी के साथ में दोनों सांसद हम लोग भारतीय जनता पार्टी से लोकसभा में भी हम लोग भेजेंगे। तो आज हमारे साथ अपना इंचार्ज श्री अशोक सिंघल भी यहां पे आए हुए हैं और साथ में अपना जो दो अनकंटेस्टेड एमएलए श्री तेची कसो जी और अपना श्री न्यातो दुकुम जी वो भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल है। तो मैं आगे का कार्रवाई जो है अपना इंचार्ज श्री अशोक सिंघल जी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा। अरुणाचल में आज 60 सीटों पर चुनाव होना था और नामांकन की प्रक्रिया में 10 सीट पर केवल भारतीय जनता पार्टी के प्रार्थी ने ही नामांकन पत्र दिया और किसी पार्टी ने नामांकन पत्र या तो दिया नहीं या दिया तो उन्होंने विड्रॉल के पहले ही उसको लास्ट डेट ऑफ विड्रॉल के समय के पहले विड्रॉ कर लिया। 10 लोग निर्विरोध चुने गए और ये 10 लोगों की जीत और आने वाले चुनाव में 60 में से हमको लगता है कि 60 की 60 सीटें हम जीत करके एक इतिहास रचने वाले हैं अरुणाचल में। ये जीत माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो प्यार जो स्नेह उत्तर पूर्वांचल को नॉर्थ ईस्ट को मिलता है अरुणाचल को मिलता है आसाम को मिलता है बाकी प्रदेशों को मिलता है उसकी वजह से जनता बहुत खुश है। जनता को लगता है कि प्रधानमंत्री हमारा प्रधानमंत्री है और इस वजह से अरुणाचल की जनता ने 10 जगह अनअपोज्ड हमारे लोग जीत के आए हैं। ये इसका परिणाम है और आने वाले चुनाव में हम बहुत अच्छा प्रदर्शन करने वाले हैं। मोदी जी ने जो काम किया पिछले 10 साल में और हमारी इस 8 साल की सरकार ने जो काम किया इस डबल इंजन सरकार की वजह से एक बदलाव हुआ अरुणाचल हम देख रहे हैं।